14 साल अपने मतलब जीवन के वृद्धाश्रम में गुजार चुकी हैं। हाँ, कभी बेटे वोटे की याद नहीं आती, कभी घर की याद नहीं आती क्या? अपने घर से बेटा आ करके क्या करेगी दादी? अगर आपका बेटा अगर आपको देख रहा होगा तो उसके लिए कुछ कहना चाहेंगी? क्या कहने, कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। देखिए आप रोइए मत, देखिए अगर अगर आप रो देंगी तो देखिए हमें रोना आ जाएगा। वृद्धाश्रम में अच्छा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। वृद्धाश्रम में क्यों रहती है, ऐसा क्या कष्ट हो गया, क्या बच्चे अच्छे से नहीं रखते या बहू से परेशानी, ऐसा क्या हो गया कि वृद्धाश्रम में आके रहना पड़ा? बहू बच्चों से दोनों से परेशानी है, दोनों से परेशानी है। बहू जब खराब है तो बेटा को तो डांटना चाहिए ना, बिल्कुल डांट के रखना चाहिए ना। बहुत दुख होता होगा, अफसोस होता होगा कि जिसको हमने 9 महीने अपने कोख में पाला, पोसा, बड़ा किया, अभी आप ऑफ कैमरा आपके आंखों में आंसू था, आप रो रही थी, तो वो तो बहुत तकलीफ होती होगी। देखिए आप रोइए मत, देखिए अगर अगर आप रो देंगी तो देखिए हमें रोना आ जाएगा। देखिए एक माता जी यार कैसे कैसे वो बेटे इस तरीके की कुकर्म कर देते, उसको हम कुकर्म ही कहेंगे। अगर आज देखिए अगर आज ये रो रही इनकी आंखों में आंसू तो कहीं भी वो सुख चैन से नहीं रह पाएंगे। आप अपने माता पिता के नहीं होते, अगर आप अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते, आज आप सोचिए अगर आप कहीं पे हैं, किसी कितने भी बड़े पद पर हैं, अगर आपकी माता वृद्धाश्रम में रहती हैं और ऑन कैमरा अगर देखिए हम बोला नहीं जा रहा, अगर आपके बगल में अगर माता जी रोती हैं तो बहुत तकलीफ होती है कि कैसे कोई अपने माता पिता को इस तरीके से इस हालात में छोड़ देता है। बहुत तकलीफ, किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तभी उसके आंखों से आंसू निकलता है। हाँ माता जी, वो जब कायदे के होता हमको भी माने वो मन होता है कि हम अपने बच्चों में रहें, हम अपने पोता के पास रहें, संगे रहें, बातचीत करें। पोता मेरा इतना अच्छा है कि हम क्या बताएं आपसे, आएगा ना तो पैर छुएगा, आता है लड़का लेके आता है, लड़का वृद्धाश्रम में आता है, आता है। तो कभी ये नहीं कहता कि मतलब मम्मी घर चलो? नहीं। देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि लड़का वृद्धाश्रम में आता है, और कितनी बेशर्मी वाली बात है कि तुम अपने माता के पास आते हो, वृद्धाश्रम में देखते ज़रूर हो, अपने बेटे से मिलवाते हो, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि माँ घर चलो? नहीं, हम गए हैं 2-3 बार गए हैं वहाँ, मगर फिर भी वही हालत, वही ना बोलना। वो हम यहाँ बैठे हैं, आप उधरे से गुजर रहे हैं ना, आप बात नहीं करेंगे 24 घंटा में एक बार भी तो कितना बुरा लगेगा? बिल्कुल तकलीफ होगी, लगेगा ना। तो आपने इतना पाल पोस के बड़ा कि अगर वही इग्नोर कर, वो बात नहीं करता था ना, बात करता था ना, उसकी बीवी बात करे ना, वो पोता आता था तो पोता बात करता था मेरा, दादी ये बात, दादी वो बात, बहुत प्यार से हमको बात करता था, मगर वो दोनों के दोनों नहीं बात करते थे, समझे? बेटा बहू कोई बात नहीं? नहीं। अच्छा कितने सालों से, कितने महीनों से आप वृद्धाश्रम में रहे? अरे 7 साल वहाँ रहे, 7-8 साल यहाँ ना हुआ। यानी आप यानी यही जो वृद्धाश्रम उसकी संस्था कहीं और थी, हाँ। तो आप वहाँ पे भी 7 साल रही और यहाँ पे भी 7 साल, यानी आप 14 साल अपने मतलब जीवन के वृद्धाश्रम में गुजार चुकी हैं। हाँ, क्या करें, कभी बेटे वोटे की याद नहीं आती, कभी घर की याद नहीं आती क्या अपने घर से? बेटा आ करके क्या करेगी, आकर कहीं यहाँ चुपचाप बैठे रहते हैं, ईलो आ जाती हैं तो बात हो तो होता है। देखिए आप रोइए मत, देखिए आप हमारे माता समान, अगर आप रो देंगी तो फिर हम देखिए आप रोइए मत। देखिए माता जी अपने जीवन के 14 साल किस तरीके से वृद्धाश्रम में गुजार ली, शर्म आनी चाहिए उस बेटे को। और हमें एक बार कहना चाहेंगे कि जो भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो अपने माता पिता के साथ अगर प्रेम व्यवहार से बात नहीं करते तो कृपया कर अपने माता पिता के बारे में सोचिए, जिन्होंने आपको 9 महीने अपने कोख में पाल पोस के बड़ा किया, जीवन भर आपकी देख रेख की, आपको पाला पोसा बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि आप किसी ऊँचे पद पर जाएँ और आप इस तरीके की हरकत करते अपने माता पिता के साथ, ये बहुत शर्मनाक है। मैम हमारे साथ हैं, ये माता पिता जी की केयर टेकर हैं, एक तरीके से उनकी मदद करती हैं, देखभाल करते हैं, उनसे जाना चाहेंगे। मैम आपका नाम? मेरा नाम अर्चना शुक्ला है, मैं बरेली शहर से रहने वाली हूँ। हाँ। आप यहाँ पे इन लोगों के मतलब केयर टेकर? जी मैं केयर टेकर हूँ, मैं इन लोगों की देखभाल करती हूँ, ये लोग हर तरीके से खुश रहें, इन लोगों को किसी तरीके की कोई तकलीफ ना होने पाए, हमसे जो शेयर कर सकते हैं इनकी तकलीफ को दूर कर सकते हैं वो अपने स्तर से। मैम रोते होंगे हमेशा बेटे की याद में, बहू की याद? खेल खेल में इन लोगों को हंसाती हूँ, गले में हाथ डालूंगी, ऐसे हंसाऊंगी, कोई कुछ हंसाती शायद। मुझे जहाँ तक लगता है कि अब आपकी बेटी यही होंगी, यही है हमारी बेटी, गाना गाएंगे, कभी कुछ करेंगे, इस तरीके से इन लोगों को हंसाते बैठाते हैं। सोचिए जो खुद का बेटा है वो तो नहीं पूछता, लेकिन जो खुद की बेटी नहीं भी है, पद में लगने की बेटी, वो इतनी देखभाल करते हैं, देखिए वो उनको अपना बेटी मानने के लिए तैयार है। शर्म आनी चाहिए उस बेटे को, मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए उस बेटे को। हाँ मैम, ये लड़की माँ से, माँ अपने जैसे माँ को मानती होगी, उससे बढ़ के हम लोगों को मानती है। अच्छा, ये आपको माँ समान मानती है? हाँ। अच्छा डांटती होती है कि नहीं दादी? सही से डांटती है, डांटती है, प्यार भी करती है, बहुत बहुत प्यार करती है। तुरंत आएगी फिर ललिता माता, उस दिन एक दिन बोली थी, हम सो गए थे, गई ललिता माता,
हम आज बेकार डांट दिया आपको, ऐसा डांटना नहीं चाहिए मुझे। डांटती भी है और प्यार भी करती है। हाँ, बहुत मानती है, ऐसी तो लड़की हो ना बहुत। दादी जो देखिए रोइए मत, आप अगर आप रो देंगी तो फिर हमसे देखिए बोला नहीं जाएगा, हम बस आपसे इतना कहना चाहेंगे। अच्छा एक बात बताइए, वृद्धाश्रम में अच्छा लगता है? हाँ, बहुत बढ़िया लगता है। खाने पीने को मिलता है ना? बहुत अच्छा। मैं तो जब मामा लोगों के पास या किसी के पास बैठती हूँ और ये लोग अपनी स्टोरी सुनाते हैं रोते हैं, तो संग में मुझे भी रोना आ जाता है। मैम की आंखों में आंसू बिल्कुल हूबहू दिखाई दे रहा है, और किसी के भी आंखों में आंसू आ जाता है लेकिन उस बेटे की आंखों में आंसू नहीं आता है, जो मिलने तो आता है लेकिन माँ को घर नहीं ले जाना चाहता है। मैम क्या कहना चाहेंगी इस बारे? मैं बस ये चाहती हूँ कि इन लोगों को किसी तरीके की कोई मतलब परेशानी ना हो। हर बेटे के बारे में क्या कहना? हर बेटा जैसे मेरे बेटे मुझको मानते हैं, मैं चाहती हूँ हर बेटा अपने माँ बाप को माने वैसे ही, और अपने माँ को अपने पास ही रखे, कहीं इधर उधर भटकने को ना छोड़े। मेरी भगवान से बस यही प्रार्थना है कि किसी को भी वृद्धा आश्रम में रहने की जरूरत ही ना पड़े। मैम अगर आप दादी, अगर आपका बेटा अगर आपको देख रहा होगा तो उसके लिए कुछ कहना चाहेंगी? क्या कहने, कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। जरा सोचिए कितनी तकलीफें, कितनी दर्द है, कितनी तकलीफें कि जिसको 9 महीने कोख में पाल के। दो लड़कियां हैं, दोनों हमको इतना मानती हैं, ये देखिए हमारी बड़ी वाली लड़की के बराबर आती है, कुछ ना कुछ लेके आती है, कभी 200 कभी 400 कभी 500 रुपया दे के जाती है, हैं, इतनी मानती है जो हम क्या बता। आजकल उसके पैर में तकलीफ है, हमने बुलाया तो कही जी मम्मी हमारे पैर में तकलीफ, हम कैसे आए, नहीं आ पाएंगे। हम जो ठीक है तुम्हारा पैर के तरह ठीक हो जाएगा तो तुम माना, हैं, इतनी अच्छी है, डॉक्टर है लड़की हमारी। यही भी लगता होगा कि बेटे ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा बेटा ना, हाँ यही लगता है, जब हमें भगवान बेटा ना दिए होते तो हमको ज़्यादा खुशी नहीं होता, ज़्यादा खुशी होता। ज़रा सोचिए एक माँ को ये कहना पड़ रहा है कि अगर हमारा बेटा नहीं होता तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। आप इस वीडियो के लिए क्या कहना चाहेंगे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे पास तो लफ्ज़ नहीं है, शब्द नहीं है। दादी जो बेटे बेटियाँ इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे एक बताइए? उनके लिए ये कहना चाहेंगे जो अपने माँ बाप को आदर से रखे, अपने माँ बाप को प्यार करे, पैसा रुपया भले ना दे बस प्यार दे, अच्छे से बोले, अच्छे से रखे, उनको एक रोटी दे मगर प्यार दे, प्यार से दे, साथ में मिल बैठ कर खाएं। एक साथ ये नहीं कि माँ अलग बैठ कर खा रही है और बेटा बहू अलग खा रहे हैं, अपने एक खिलाता तो एक संग है, खिलाता था एक साथ बैठ के खाते थे खाना, एक साथ परोसती थी उसकी औरत, खाते थे एक संग, मगर खाते समय भी दो बात नहीं करता था। देखिए माता जी का कहना है कि तुम भले एक रोटी ही दो लेकिन सुकून की दो, प्यार की दो, और प्यार से हमसे बातें करो। एक माता पिता को और क्या चाहिए, जो भी यंग जनरेशन के बच्चे देखे एक बार उनको समझना चाहिए कि माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और किस तरीके के साथ उनके साथ रहना चाहिए। बाकी आप इस वीडियो के लिए क्या कहना चाहेंगे एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का सादर आभार।